Good morning, everyone. Today we will start a new chapter, the super senses. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे super senses के बारे में. तो पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने फोर्थ क्लास में भी पढ़ा होगा senses के बारे में. कौन कौन से senses के बारे में आपने सुना है, कौन कौन सी senses होती हैं. देखिए, यहाँ पे आपको एक इमेज देखने के लिए मिल रही होगी. ठीक है, तो ये हमारी फाइव सेंसेस होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? आपने पता है कि टेस्ट करने की एक हमारी सेंस होती है, टच, साइट, स्मेल, हियर. ठीक है, देखते कहाँ से हम अपनी आंखों से, स्मेल कहाँ से करते हैं हम अपनी नोज से, सुनते कहाँ से हैं हम अपने कानों से. ठीक है, टेस्ट कहाँ से करते हैं अपनी टंग से, और फील मतलब टच कहाँ से करते हैं हम अपने हाथ से. ठीक है, तो ये जो होती हैं हमारी, क्या होती हैं हमारी, फाइव सेंसेस होती हैं. तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड जो है इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन सी होती हैं आपको पता है, कौन कौन सी हमारी सेंस होती हैं, हमारी देखने की, हमारी सुनने की, हमारी स्मेल करने की किसी चीज़ को, हमारी टेस्ट करने की किसी चीज़ को, फील करने की, टच करने की. तो ये हमारी जो होती है हमारी फाइव सेंसेस होती हैं. चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. Has it ever happened to you? क्या ये चीजें कभी आपके साथ हुई हैं? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. ठीक है, कि आप हैं एक अपने दोस्तों के साथ अपने playground में, ठीक है, बैठे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ खाना खा रहे हैं. उसी टाइम पे क्या होता है, एक ईगल वहां पर आती है और क्या करती है, आपकी रोटी जो है वो लेकर चली जाती है. क्या आप में से कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है? ठीक है, और सेकेंड पूछा जा रहा है कि यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन अ मिनट मेनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट. क्या होता है कि आपको पता ही है, ये तो मोस्टली आपको हर जगह पे देखने के लिए चीजें मिल जाएंगी कि आपने कुछ मीठा जो है जमीन पे गिरा दिया. ठीक है, तो आप क्या देखोगे, कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वहां पे ढेर सारी जो है वो चींटियां जो है वो इकट्ठी हो जाती है, पूरा झुंड बना लेती है वो वहां पे. ठीक है, नेक्स्ट, एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट ears shot up at once. क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब एक डॉग जो है सोया होता है और आप बहुत साइलेंटली से जो है उस डॉग के पास से निकलते हैं, तो क्या होता है कि उसके कान जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है एकदम से जो है वो खड़े हो जाते हैं. ये चीजें आपने नोटिस करी होंगी, अगर नहीं करी होंगी तो कभी ये चीजें जो है आप नोटिस करके देखना. ठीक है, Why does this happen? Think and tell. ऐसा क्यों होता है, सोचो और बताओ. एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. जैसे हम लोगों के अंदर फाइव सेंसेस होती हैं, हमारे अंदर जो है क्षमता होती है किसी चीज़ को देखने की, किसी चीज़ को सुनने की, किसी चीज़ को स्मेल करने की, किसी चीज़ को फील करने की, किसी चीज़ को टेस्ट करने की. इन द सेम वे एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. इसी वे में एनिमल्स की भी डिफरेंट सेंसेस होती हैं, इंद्रियाँ होती हैं. ठीक है, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. वो भी क्या कर सकते हैं, किसी चीज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, और किसी चीज को फील कर सकते हैं, लाइक अस. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे. प्रे मतलब होता है शिकार, कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत दूर से जो है अपने शिकार को देख लेते हैं. सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, और कुछ जो है बिल्कुल फेंटेस्ट साउंड होती है उसको भी जो है वो सुन लेते हैं. Some animals can find their friends by their smell. कुछ animals को जानवर ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों का पता जो है just उनके smell से ही उनका पता लगा लेते हैं कि हाँ वो इस जगह पे होंगे या इस जगह से गए होंगे. The animals world is full of examples of amazing senses. अगर हम animal की दुनिया की बात करें तो भाई बहुत सारे जो है आपको उनकी ऐसी senses के examples मिल जाएंगे. ठीक है, How did the ant recognize a friend? कैसे जो एक चींटी जो है अपने फ्रेंड को जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है, कैसे करती है? ठीक है, An ant was going along the ground. It saw a group of ants coming from. आपने देखा होगा, ये चीजें आपको ये पिक्चर दिख रही होगी कि आप दीवारों पे भी कभी चलते हुए देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक तरफ कोई आंट जो यहाँ से आ रही होती है, कोई आंट जो है वो यहाँ से जा रही होती है. ठीक है, एंड आंट वाज गोइंग अलोंग द, ठीक है, ग्राउंड के अलोंग वो चल रही होती है. ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड्स. अब वो क्या देखती हैं कि ग्रुप ऑफ आंट्स जो हैं वो दूसरी तरफ से आ रही हैं.
द फर्स्ट आंट क्विकली कम केम बैक टू इट्स होल. फर्स्ट आंट जो होती है वो क्या होती है, जल्दी से जल्दी जो है अपने होल में जो है वो वापस आ जाती है. द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इन लैटिन. एंड अब क्या करती है, जो जो आंट है, आपने देखा होगा जैसे आपके स्कूल के बाहर गेट पे भी गार्ड्स खड़े होते हैं, ठीक है, आपकी रखवाली करने के लिए. कि क्या होता है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं को अंदर एंटर दिया जाता है. दूसरी ये तो है नहीं कि दूसरे स्कूल के किसी बच्चे को जो है वो अंदर एंट्री दे देंगे, नहीं, नेचुरली है. आप लोगों को कैसे पहचान लिया जाता है, क्योंकि आपका एक यूनिफॉर्म कोड है, आपने एक यूनिफॉर्म पहनी होती है जिसको देखकर पहचान लिया जाता है कि हाँ भाई ये हमारे स्कूल का बच्चा है, तो वो आपको अंदर ले लेते हैं, ठीक है. ऐसे क्या होता है, जो आंट होती है वो क्या करती है, जो उस होल की, ठीक है, गार्डिंग मतलब जो उसकी देख रेख कर रही होती है वो उनको पहचान लेती है और उनको क्या करती है, उनको अंदर आने की परमिशन दे देती है, ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस जो है नीचे मैं डिस्कस कर रही हूँ और इनके जो है मैं आपको आंसर्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम दैट ग्रुप. कैसे जो है एक आंट को पता चलता है कि वो दूसरी आंट जो है वो उनकी ग्रुप से नहीं है. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनिमल्स ऑल्सो हैव अ डिफरेंट सेंस लाइक अस, ठीक है, कि एनिमल्स की भी जो है डिफरेंट सेंसेस होती हैं. दे कैन स्मेल, दे कैन हियर, दे कैन टच, दे कैन फील, ठीक है. तो वो उन चीज़ों से है अपनी डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस का इस्तेमाल कर जो है वो ये चीज़ें पता लगा लेती हैं कि भाई वो आंट जो है वो हमारी ग्रुप की नहीं है, मतलब बाय अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ स्मेल, ठीक है. हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट. कैसे जो है जो आंट जो है उस होल को गार्ड कर रही होती है, जिसकी देखरेख कर रही होती है, वो कैसे पहचान लेती हैं कि ये आंट जो है वो हमारी ग्रुप की है या ये आंट जो है वो हमारी ग्रुप की नहीं है. तो कैसे कर लेती है, बाय स्मेल, ठीक है, स्मेल से सूंघकर जो है वो उन चीजों को पता लगा लेती है कि हाँ भाई ये जो है हमारी ही साथी है, इससे चलो भाई अंदर करो, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब हम. ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड वेट अंटिल द आंट्स कम देयर. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कुछ भी मीठा, चीनी हो, जैकरी मतलब गुड़ हो, ठीक है, या कुछ भी आपके पास मीठा हो, वो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ग्राउंड में उसको डालना है, फेंकना है, ठीक है, और वेट करो जब तक कि आंट्स जो है उसके आसपास ना आ जाए, ठीक है. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम. तो कितना टाइम लगेगा उनको अगर आने में, अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स उनको टाइम लगेगा, दैट इज 15 to 20 minutes के अंदर अगर आप देखोगे तो वो ढेर लगाकर जो है वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे. Did one aunt come first or a group of aunts came together? अब आपको बताना है कि क्या एक आंट पहले आती है या पूरा का पूरा झुंड जो है वो एक साथ आता है, ठीक है. तो आप क्या लिखोगे, पहले क्या आता है, वन आंट कम फर्स्ट और उसके बाद जो है बाकी की आंट जो है उसको फॉलो कर करके जो है उसके पीछे पीछे चल रही होती है, ठीक है. पहले एक आंट आती है, उसके बाद उसको फॉलो करती करती उसके पीछे जो है वो दूसरी आंट आती है, ठीक है. What did the ants do with the food? अब ants क्या करती हैं अपने उस food के साथ, वो क्या करती हैं अपने hole में जो है उनको लेकर चली जाती हैं, ठीक है. तो the ants carried the food to their hole. अपने hole में जो है वो उन food को लेकर चली जाती हैं. Where do they go from there? उसके बाद वो वहां से कहाँ चली जाती हैं, they go to their hole. They go to their होल, कहाँ चली जाती है वो वहां से, उसके बाद वो वहां से अपने होल में चली जाती हैं. तो डो दे मूव इन अ लाइन, क्या वो लाइन में चलती हैं. ऑफ कोर्स आपने देखा होगा एक यहाँ करते 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 जो आर्ट्स जो है वो पूरी जो है आपकी लाइंस में मूव करके चल रही होती हैं. तो यस दे मूव इन अ लाइन, ठीक है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको इनके सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है. Now observe, now carefully, without harming the ants, block their path for a while with the pencil. अब आपको क्या करना है, बिना ants को, बिना चींटियों को harm करे आपको क्या करना है, आपको उनके रास्ते को block करना है, रोकना है. कैसे रोकना है कि थोड़ी देर के लिए बीच में आपको दिख रहा है कि अगर समझो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, जैसे समझ लो ये ant जा रही है यहाँ पे, आपको क्या करना है यहाँ पे इनके रास्ते को यहाँ पे किसी चीज से block करना है. तो आपको समझ लो कि आपने जो है यहाँ पे जो है एक pencil रख दी है, ठीक है, ये आंट चलती हुई आ रही हैं और आपने क्या करा है कि इनके रास्ते को ब्लॉक करने के लिए आपने यहाँ पे पेंसिल रख दी है, ठीक है.
अब ऑब्जर्व करो कि अब कैसे जो है आंट्स मूव करेंगी, क्या अब ये एक एक करके जाएंगे अभी भी एक के पीछे, या पूरे का पूरा ग्रुप जो है इनका एक साथ निकलेगा। तो दे स्टिल मूव इन अ लाइन, वो फिर भी जो है वो लाइन में ही मूव करेंगी। ठीक है, देखोगे आप इसके ऊपर से चलती 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 जो है एक निकलेगी, फिर दूसरी निकलेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी करके ऐसे जो है, चाहे आप ब्लॉक भी कर दो उनका रास्ता, फिर भी वो लाइन में ही चलेगी। ठीक है, चलिए मेनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। बहुत टाइम पहले, बहुत अगर सालों की बात करें तो एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे ऐसे ही। He found that as the ants move, they leave a smell on the ground। उसने क्या किया, उसने एक खोज निकाली कि जैसे जैसे जो है आंट्स जो है चलती हैं, मूव करती हैं, वो क्या छोड़ती जाती हैं अपने पीछे, वो अपनी स्मेल को छोड़ती जाती हैं। ठीक है, द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। और ऐसे क्या होता है, जो दूसरी आंट्स उसके पीछे चल रही होती हैं, वो स्मेल करते करते जो है उस रास्ते का पता निकाल लगा लेती हैं। ठीक है, अब आपको क्या गेस करना है कि व्हाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ्स। क्यों जो है आंट्स ऐसा बिहेव करती हैं अगर आप उनका जो है रास्ता जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। सो नाउ दिस इज योर होमवर्क, ओके, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। So some male insects can recognize their females by their smell। अब यहाँ पे बात की गई है कि कुछ insects के बारे में, कौन से insects के बारे में यहाँ पे बात की गई है, आपके male insects के बारे में। अगर उनको अपनी female insects का पता लगाना होता है तो वो कैसे पता लगाते हैं, by smell। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं, स्मेल के थ्रू जो है वो पता लगाते हैं कि उनकी जो है फीमेल जो है वो कहाँ पर है, बाय देयर स्मेल। ठीक है, आंट को भी अगर अपनी दूसरे मतलब अपने फ्रेंड्स का पता लगाना हो तो वो कैसे लगाते हैं, बाय स्मेल। और कोई भी मेल इंसेक्ट जो है अगर उसको अपनी फीमेल का मतलब को आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ स्मेल, राइट। ठीक है, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक How do they know where you are? ठीक है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि भाई मच्छरों ने आपको परेशान किया है? Definitely बहुत परेशान करते हैं, हर दिन परेशान करते हैं, है ना? तो just think how do they know where you are? तो just आप ये सोचिए कि उनको कैसे पता चलता है कि आप लोग कहाँ पे हैं? आप just बैठे नहीं कि बस जो मच्छरों जो है, मच्छरों ने घूमना घूम करना जो है वो शुरू कर दिया, कैसे पता चलता है उनको? Mosquitoes can find you by the smell of your body. ठीक है, मॉस्किटोज आपको कैसे फाइंड करते हैं, आपकी बॉडी की स्मेल की वजह से वो आपको इजिली रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि वेयर यू आर, राइट। दे कैन ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट या हीट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी की स्मेल से तो पता लगा ही लेते हैं, साथ में क्या होता है आपके फीट की सोल से भी है वो पता लगा लेते हैं, और आपकी जो बॉडी की जो हीट होती है, ठीक है, उससे भी वो पता लगा लेते हैं कि वेयर यू आर, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ डू दे नो वेयर यू आर, तो बाय द स्मेल ऑफ, पहला आ जाएगा ये वाला पॉइंट, बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। सेकंड पॉइंट इज बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट। ठीक है, आपकी जो फीट है, आपके जो पैर है, उसकी सोल का मतलब उसकी सोल की स्मेल से। और द थर्ड वन इज द हीट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की हीट से दे कैन रिकॉग्नाइज यू वेरी इजीली वेयर यू आर, ओके। So I am a silk worm. I can find my female worm from many kilometers away by her smell. अब क्या होता है, ये silk worm जो है बता रहा है कि भाई मैं एक silk worm हूँ और मैं अपनी female का पता जो है बहुत kilometers दूर से भी लगा लेता हूँ, कैसे, उसकी smell की वजह से मैं उसे बहुत easily recognize कर लेता हूँ। ठीक है, have you seen a dog sniffing here and there? What do you think? It is trying to smell. अब आपने देखा होगा कि आप कभी कभी देखते हो कि डॉग जो होता है ना, कभी कभी वो कुछ स्निफ करने की जो है, कुछ सूंघने की जो है वो कोशिश कर रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है, क्यों वो ऐसा कर रहा होता है, आपने देखा होगा क्यों करता है वो ऐसा। द डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। अब डॉग्स क्या करते हैं कि वो जिस जिस एरिया से निकलते हैं ना, वो कुछ कुछ जो है अपनी निशानी जो है वो वहां पर छोड़ते चलते हैं। क्या छोड़ते चलते हैं? दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड पॉटी। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, देखें वो क्या करते हैं कि वो जो है पता लगा लेते हैं कैसे, देखें मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम, कि वो पता कैसे लगाते हैं कि भाई उनके एरिया में कोई डॉग आया है या नहीं आया है, उनकी स्मेल कौन सी, किसकी, उनकी यूरिन की या उनकी पॉटी की स्मेल से जो है वो इस चीज़ का पता लगा लेते हैं कि कहीं भाई उनके एरिया में कहीं दूसरा जो है डॉग तो नहीं घुस कर आ गया।
ठीक है? ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन, ठीक है? आपको जिन्हें अपने होमवर्क में करना है, उसके बाद फिर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? कि आपको पता है कि किन किन चीजों के अंदर जो है डॉग की इस स्मेल की सेंस का जो है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जैसे हम लोग जो है हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे कौन कौन से, जैसे मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे देती हूँ कि आपको पता है कि कुछ चीज अगर चोरी हो गई है या कुछ चीज है उनका पता लगाना हो, तो वहां पर जो है पुलिस, आपने देखा होगा कि डॉग्स का इस्तेमाल करती है. तो आपको और भी तरीके बताने हैं कि और किस किस ढंग से जो ह्यूमन बीइंग्स जो है इनकी इस सेंस का इस्तेमाल करती है, ठीक है? और यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको इस बॉक्स में वो फिल करना है कि आपको किस चीज़ की स्मेल अच्छी लगती है, और आपको इन बॉक्स के अंदर वो चीज़ें बतानी कि आपको किन किन चीज़ों की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है? सो व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल? कब आपको लगता है कि भाई आपकी जो सेंस है स्मेल की, जो आपकी सूंघने की जो क्षमता है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है? कब? लिस्ट सम एग्जाम्पल लाइक यू नो लाइक टू नो बाय इट स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड. एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि आपको कैसे बता रहे हैं कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपको पता चल जाता है कि अगर आपके पास स्मेल, अगर आपके पास सेंस स्मेल करने की सेंस हो, तो आप पता लगा सकते हो कि भाई ये जो खाना है वो सड़ चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है, इसको फेंक दो, या ठीक है. तो आप, या अगर आपको क्या होता है कभी कभी देखते हो कि आपको जलने की जो है स्मेल आ रही होती है, तो भाई आपके पास इतनी अच्छी सेंस ऑफ स्मेल है जिसकी वजह से आप जो है पता लगा सकते हो, वरना तो आपके पास अगर ये सेंस ना हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉग्नाइज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम, ठीक है? नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी, अब ऐसे कोई एनिमल्स का मुझे नाम आपको बताना है जिसको आप सिर्फ उसकी स्मेल से ही रिकॉग्नाइज कर सकते हो विदाउट सीइंग देम, बिना उनको देखे. सो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? सो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है समझ